लाइफ में सबसे मुश्किल काम सुबह सुबह बिस्तर छोड़ के उठना। और आज फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 4। बेसिकली अभी फिलहाल चल रहा है अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे क्या है थोड़ा सा ऐसे फैट बढ़ रहा है पेट में। तो हमने क्या किया भाई साहब, सुबह 4 बजे उठ के रनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 4 और जस्ट अभी मैं उठा हूँ, और अब चलते हैं रनिंग पे। 4 से 5 किलोमीटर रनिंग पे जाएंगे और फिर उतना ही वापस आएंगे। गाइज वी आर बैक अगेन, और जस्ट अभी अभी मुझे एक सरप्राइज मिला है इतना तगड़े वाला। पहली बार हमारा चैनल RC17 व्लॉग्स फीचर हुआ है क्रिएटर्स कैंप के अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइज इस बार ये ऑनलाइन होने जा रहा है, क्योंकि जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है तो उसके चलते हुए ये सब करना पड़ रहा है। बट नेक्स्ट ईयर आई एम फॉर श्योर कि हम जरूर जाएंगे मुंबई। तो कुछ दिन पहले हमें ये वाला मेल मिला था YouTube की तरफ से, जिसमें कि लिखा हुआ है, ग्रेट न्यूज़, क्रिएटर कैंप इज़ लेस देन 24 आवर्स अवे एंड दिस इज़ टू कंफर्म दैट यू आर इन द गेस्ट लिस्ट ऑफ इट। तो हम इसकी गेस्ट लिस्ट के अंदर हैं, और यहाँ पे हमें ये जो लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, स्पेशली इसी लिंक के ज़रिए हम इस इवेंट को ज्वाइन कर पाएंगे। और आप इसे कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक ये इवेंट हो चुका होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें कुछ गूगल का इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 9 मिनट बाकी है और इवेंट होने जा रहा है हमारा स्टार्ट 9 मिनट और 7 सेकेंड में। तो यहां पे हमें डिस्प्ले होगा, और टोटल ये इसमें मेंशन किया गया है कि 1 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक, यानी 5 साढ़े 5 घंटे का इवेंट ये रहेगा। तो यहां पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकेंड पेंडिंग रहे हैं और 30 सेकेंड में हमारा इवेंट होने जा रहा है स्टार्ट। तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम है अपना, तो होप्स हो कि काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे नया सीखने को मिलता है। तो यार फाइनली 6:30 बजे जाके हमारा जो YouTube का क्रिएटर्स कैंप था वो एंड हो चुका है उसका, और कम्प्लीटली लाइव था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारा, काफ़ी सारे वीडियो प्रोडक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स हमें वहाँ पे देखने को मिले। और भाई लास्ट के अंदर तो फ्लाइंग बिस्ट, टेक बर्नर और मोर्टल ने अपनी जो स्टोरीज शेयर की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्हें देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला और पता भी चला कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है यूट्यूब के करियर में। अभी अपने शुरुआत है तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और यूट्यूब की जो टीम है उसने बताया कि किस तरीके से हमें स्टार्टिंग से लेके जो छोटे से छोटा क्रिएटर होता है वहाँ से लेके बड़े से बड़े क्रिएटर तक सभी को एक जैसा सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ यार अभी जो शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे उनके बारे में भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे शेयर किए गए और बताया गया कि कैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से शॉर्ट वीडियोस बना के, जैसे पहले जो टिकटॉक वाला सीन था वो अभी इंडिया के अंदर यूट्यूब ने लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। लॉन्च तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था,
लेकिन अभी बीटा वर्जन के अंदर चल रहा है, तो कुछ कुछ क्रिएटर्स को ही मिला है, अभी अपने चैनल को तो नहीं मिला है। देखते हैं कब तक जाके एक्टिवेट होता है। तो उसके अंदर ये सीन रहेगा कि अपने छोटी से छोटी वीडियो बना सकते हैं 60 सेकंड तक की और उन्हें कर सकते हैं शेयर। और ये जो लाइव क्रिएटर कैंप हुआ है वो यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है, और लगभग सभी क्रिएटर्स का ये कहना था कि इस बार इतना मज़ा नहीं आया जितना कि लाइव शो के अंदर आता है, क्योंकि सब अपने घर से लाइव थे तो इतना खास नहीं था। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शेयर हुई, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिले तो उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, जिससे कि वीडियो का क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, और साथ ही साथ कैमरा ट्रिक्स, लाइटनिंग और सबसे ज्यादा ऑडियो एडिटिंग के ऊपर फोकस किया गया था। ज्यादातर क्रिएटर्स क्या है, वीडियो एडिटिंग में तो पूरी जी और जान लगा देते हैं, बट ऑडियो एडिटिंग काफी कम लोग करते हैं। मैं भी बहुत कम करता हूँ ऑडियो एडिटिंग, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इन फ्यूचर जो वीडियोस आएंगी ना, उनमें हम उन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है हमारे चैनल का। सो ये था गाइस हमारा फर्स्ट टाइम यूट्यूब क्रिएटर कैंप का एक्सपीरियंस, जो कि काफी अच्छा रहा। इसी तरीके से अगर चलते रहे तो यूट्यूब फैन फेस्ट का जो स्टेज है वो दूर नहीं है हमसे, काफी जल्दी उसे हासिल करेंगे। तो होप सो गाइस आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इन फ्यूचर भी इसी तरह काफी सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।